महिला दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा की जिला मंत्री रीता प्रसाद को झारखंड राज्य महिला कल्याण बोर्ड के सदस्य बनाए जाने को लेकर अस्पाकल स्कूल और जगजीवन नगर के मोहल्ला वासियों ने बुके देकर उनका सम्मान किया। इस सम्मान समारोह में कई महिलाएं भी शामिल हुई। अंकल से अनुरोध है कि छोटे बच्चों को ये वहीं रीता प्रसाद ने बताया कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये सम्मान मिलना उनके लिए काफी गर्व की बात है और वे लगातार महिलाओं के हित के लिए कार्य करेगी। आज मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज मैं यहाँ की बेटी हूँ। अपने मोहल्ले से मुझे सम्मानित किया गया और हमारी मैडम छवि मैडम ने आज मतलब कि स्पार्कल स्कूल और हमारे पूजा कमेटी के बड़े अंकल हमारे हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप, उन्होंने उनका आशीर्वाद और अपने मोहल्लों की सभी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, सभी ने मुझे आज सम्मानित किया। इस सम्मान के लिए मैं सभी का आभारी हूँ और सबको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि सभी मुझे सम्मानित कर रहे हैं। मैं आज यहाँ चर्चा भी की हूँ और मैं आप लोगों के थ्रू ये आप लोगों के चैनल के थ्रू ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि सभी महिला संघर्ष करके एक मुकाम पे जा सकती हैं। सभी महिलाएं संघर्ष करें, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जब तक वो खुद अपने मन में जब तक नहीं ठानेंगे कि हमको कुछ करना है तब तक वो किसी से नहीं लड़ सकती है, ना खुद से, ना तो समाज से, ना तो आगे बढ़कर कुछ कर सकती हैं। अपने आप मनोबल को मजबूत करके वो आगे बढ़ सकती हैं और मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी महिलाएं अपने आप में स्वलंब बने, उसके बाद फिर वो समाज के लिए